जय हिंद सभी पेंशनर बंधु। आज आपकी सारी पेंशन से संबंधित समस्याओं का रामबाण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और तब आपको पता लगेगा कि किस प्रकार यह सचमुच आपके लिए एक ग्रेटेस्ट रिलीफ, पेंशन रिलेटेड ऑल प्रॉब्लम्स के लिए यह साबित होने जा रहा है। आप पेंशन ड्रा कर रहे होंगे, हो सकता है सिविल के यानी कि भारत सरकार के किसी भी संस्था के द्वारा, वह ऑटोनोमस हो सकते हैं, वो रेलवे के हो सकते हैं, डाक विभाग के द्वारा हो सकते हैं, दूरसंचार टेलीकॉम के द्वारा हो सकते हैं, या फिर प्रतिरक्षा डिफेंस के हो सकते हैं, एनपीएस के हो सकते हैं, किसी भी विभाग के आप पेंशनर अगर हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण ही साबित होने वाला है। आपकी समस्याएं हो सकती है जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जिस संस्था में, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या आपकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो रहे हैं, चाहे वो सीपीएओ हो या पीएओ हो, या आपके जो भी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो, जो रेलवे के होते हैं, टेलीकॉम के होते हैं, उनके इनहाउस ही होते हैं, या डिफेंस के जो कि पीसीडीए प्रयागराज हैं, जेसीडीए हैं, ये सब कोई भी हैं, या फिर पीडीए पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी यानी कि बैंक्स हो, ट्रेजरी हो या डीपीडीओ हो, किन्हीं के द्वारा इस कंप्लीट चेन में कहीं भी किसी के द्वारा अगर प्रॉब्लम है, किन्हीं की चूक के कारण, गलती के कारण या आपके स्वयं के गलती के कारण भी है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा और आपकी तमाम समस्याओं के समाधान का मैं गारंटी देता हूं अगर आप ध्यान से सुनते हैं। आपकी समस्याओं किस प्रकार की हो सकती है यह सबसे पहले आप सुन लीजिए। आपके पेंशन या पारिवारिक पेंशन यानी कि रेगुलर पेंशन या फैमिली पेंशन या डिपेंडेंट पेंशन से संबंधित या अन्य कोई भी सेवानिवृत्त संबंधी जो आपकी पेंशनरी बेनिफिट है, उसके लाभ जो मिलने में या तो देर हुई है या गलती हुई है स्वीकृति के दौरान यानी कि सैंक्शन के दौरान, तो अब आपको लाभ मिलने वाला है। दूसरा, अगर आपकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन, उसकी भुगतान आदेश जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, पीपीओ होते हैं, उनके जो रिवीजन ऑर्डर आते हैं, संशोधन पत्र आते हैं, कोरिएंडम पीपीओ आते हैं, उसमें अगर कोई खामियां हैं, या फिर तीसरा, पेंशन या उसके कई और जो पेंशनरी बेनिफिट है, सेवानिवृत्त लाभ है, उसके कोई अमाउंट आपके बकाया रह गए हैं, भुगतान नहीं हुए हैं, जैसा कि नॉन पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन या कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, या फिर चौथा, अन्य कई प्रकार की सेवा संबंधी मुद्दे, जैसे कि वेतन का निर्धारण आपका सर्विस के दौरान ही नहीं किया गया था, या एमएससीपी डिफेंस वाले का आ रहा है, कोई नेशनल पे में आया हुआ, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस की कोई मुद्दा रहा हो चिकित्सा संबंधी, इन तमाम चीजों का आप समाधान पा सकते हैं। पांचवा है, अगर 6 CPC 7 CPC आदि किसी भी मुद्दे से संबंधित आप ग्रसित हैं, यानी कि आपका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ, आपका सर्विस के दौरान का डीए का कोई इशू है, या सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद डियरनेस रिलीफ संबंधी मुद्दे हैं, उसके विलय का, मर्जर का, या फिर स्टॉपेज का, या रिस्टोरेशन का, भुगतान से संबंधित कोई भी रिलेटेड मुद्दा है, या आपके अहर्क सेवा से संबंधित मुद्दे, यानी कि आपके क्वालिफाइंग सर्विस को प्रॉपर फिक्स नहीं किया गया था पीपीओ में, आपके एब्सेंटी को दिखाया गया, या इससे कोई समस्या हो, या फिर असाधारण पेंशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन हो, या जीपीएफ सीपीएफ से रिलेटेड क्यों ना हो, या फिर नई पेंशन योजना जो एनपीएस अभी चल रहा है इससे हो, और यह सब हो सकता है किसी भी स्वायत्त निकाय संगठनों का पेंशन योजना का विस्तार जो देते हैं, एक्सटेंशन ऑफ पेंशन स्कीम टू ऑटोनोमस बॉडी देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, या इसके अलावा भी किसी भी तरह की समस्या है, तो हर तरह की समस्याओं का निदान आपको मिलने जा रहा है। तो यह तो था कि आपको मैंने बता दिया कि इस तरह की कोई भी समस्या अगर है आपके दिमाग में तो आप विचार कीजिए, और अब आप हमारे साथ गौर से बन जाइए। और उससे पहले वीडियो का मैं मूल मंत्र दूं, उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेनर, ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
आप कमेंट करके अपनी टिप्पणी करके हमें पूछें, बताएं और सगे संबंधियों के साथ साझा करें, जिससे हमारे चैनल को प्रगति और उन्नति का एक शुभ अवसर मिलता है। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह से है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक चैनल को ग्रोथ का अवसर नहीं मिलेगा, और यह ग्रोथ का अवसर आपके लिए और बेहतर बड़ी टीम, निपुण टीम हम लगा सकते हैं उस प्रामाणिक सूचना को आपके लिए मुहैया कराने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर बंधुओं तक यह प्रामाणिक सूचना को पहुंचाने में। अब मैं बताता हूं इन सारे का रामबाण का नाम आखिर क्या है। तो इसे बोलते हैं सी पेन ग्राम, जो कि सीपी ग्राम का हिस्सा है। सी पेन ग्राम्स इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रलाइज पेंशन ग्रेवियंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यह आपकी पेंशन की तमाम शिकायतों का निवारण करता है, और इसके साथ ही यह निगरानी भी करता है, मॉनिटर भी करता है। तो इसके अलावे और आपको क्या चाहिए? आप सिर्फ यह ध्यान कीजिए कि किस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, आपके डिपार्टमेंट का ही क्यों ना हो, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा ही क्यों ना हो कोई चूक, या फिर पीडीए के द्वारा ही क्यों ना हो, तो यह सब की क्षमता रखती है। और यह सब कैसे होता है? यह होता है द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, जो ऑर्गेनाइजेशन है डीपी एंड पीडब्ल्यू, जिन्हें हिंदी में कहते हैं पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, इनके द्वारा होता है, जिनका पोर्टल का नाम है, वेबसाइट का नाम है pgportal.gov.in पेंशन, जो कि पीजी पोर्टल जो सीपी ग्राम है उसी का यह अभिन्न हिस्सा है, उसी के मुख्यतः सीपी ग्राम का ही दो भाग है, एक पब्लिक रिड्रेस है और दूसरा एक्सक्लूसिव पेंशन के लिए है। यही है सीपी पेन ग्राम की हम बात करने जा रहे हैं विस्तार में। तो इसके कुछ खास बिंदु को आपको मैं बता दूं, ताकि आप इसके पूरे फीचर्स का जब तक ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक पूरा लाभ नहीं उठाएंगे। तो यह एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटरकृत प्रणाली है, जो कि पेंशन भोगियों को तेजी से पहुंच प्रदान करने की, उनको जो सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, निवारण चाहिए, फास्ट एक्सेस देता है, और इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। इसमें आपको स्पीडी रिड्रेस और इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द ग्रेवियंसेस किया गया है, इस तरह का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही सभी पेंशन भोगियों अपने शिकायत के निवारण के लिए रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस से अगर वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्हें अपील करने की भी अवसर यहां दी जाती है। यही डेमोक्रेसी का असली रूप होना चाहिए कि वहां हर लोग को अपने शिकायत करने का अवसर मिले, यानी कि किसी भी प्रकार का दबाव महसूस न हो, मजबूरी महसूस न हो, वास्तविक फ्रीडम यही है। और कई पेंशनर बंधु हमारे कम्युनिटी से अभी तक नहीं जान रहे होंगे, और मैं वही आज हर पेंशनर का तरह तरह का, चाहे स्पोर्ट्स की आज के समस्या, आज के समय में आप देख ही पा रहे होंगे कि जो डिफेंस पेंशनर करीब 34 लाख से 35 लाख जिनका माइग्रेशन हो रहा, इस माइग्रेशन में तरह तरह की समस्याएं उन्हें आ रही है, आने की संभावनाएं हैं, और वो वहां ग्रेवियंसेस देते हैं, टोल फ्री नंबर देते हैं, नहीं काम हो रहा, तो आप अवश्य कर यह सी पेन ग्राम का बेनिफिट उठाएं। इसके लिए मैं तमाम आज आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप वेबसाइट में जाके क्लिक करेंगे, कहां क्लिक करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि मैंने बताया इसके खास बिंदु सेलियंट फीचर्स में कि यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सभी नागरिकों के लिए अवेलेबल है। पेंशन जो सीपी ग्राम है सभी नागरिकों का है, और उसी का हिस्सा है यह सी पेन ग्राम जो कि पेंशनर के लिए। यह 24/7/365 अवेलेबल है, अपना ग्रेवियंसेस कर सकते हैं, इसका वेबसाइट का कोई होलीडे नहीं होता है। और यह पेंशन से संबंधित, जैसा कि 12 पॉइंट में बताया, किसी भी सब्जेक्ट पर
हो सकता है और यह सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड होगा। यह एक सिंगल पोर्टल है जो कि सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और स्टेट के, ये सब सीपी ग्राम से कनेक्टेड हैं, जिसमें कि प्रत्येक मंत्री और वहां के स्टेट के उनके रोल बेस्ड एक्सेस है, उनको लॉगिन आईडी दिया गया है। जो भी आप कंप्लेन यहां दे रहे हैं, ग्रीवियंसेस दे रहे हैं, ये उनके आईडी में दिखता है और वो फिर जब निवारण करते हैं तो यहां अपलोड करते हैं, आपको भी सूचना मिलती है और इस सेंट्रल बॉडी को भी मिलता है। यहां जन शिकायत निवारण जो पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल है, जिसमें कि आम जनता जनरल पब्लिक की शिकायतों को दूर करने के माध्यम के लिए भारतीय सरकार जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा शुरू की गई यह शासन में सुधार, एक तरह का रिफॉर्मेशन कह सकते हैं, गवर्नेंस में रिफॉर्मेशन के लिए यह प्रमुख पहलों में से एक है, जिसे आप कह सकते हैं कि यह फ्लैगशिप इनिशिएटिव के रूप में एक है, जो कि एक विशेष अधिकार देता है। ऐसे तो हम आरटीआई से पूछते हैं सिर्फ, वहां समाधान नहीं मिलता, लेकिन यहां सीपी ग्राम में, सीपेन ग्राम में आपको समाधान मिलता है। आपको अगर जेन्युइन समस्या है और कहीं से समाधान नहीं हो पाया तो एक बार जरूर ही कीजिए, तभी मैंने इसका नाम रामबाण दिया है। इसे जून 2007 में एक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस द्वारा बनाया गया था। यह लोक शिकायत तंत्र के तहत, अंडर द पब्लिक ग्रीवियंस मैकेनिज्म के तहत काम करता है, जिसमें कि भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों और उनके विभागों, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम, शिकायत, ग्रीवियंसेस या दलीलें प्लिया उठा सकता है। सभी महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों और विभागों को शिकायतें प्रस्तुत की जाती हैं, या उनके इंपोर्टेंट जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वहां तक आपके शिकायत को पहुंचाया जाता है, क्योंकि आप अगर लिखते हैं तो हो सकता है नहीं उन पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इस चैनल से जब जाता है उन्हें ध्यान देना ही है। इस प्रणाली की जो राष्ट्रीय सूचना विभाग की टीम है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, उन टीम के द्वारा ही इनहाउस आंतरिक रूप से ही इसे डिजाइन किया गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है। इसमें टेलीफोनिक फीडबैक फीचर्स भी है, यानी कि आपको कॉल करके भी बताया जाता है, और सबसे अहम बात है स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री इन जन शिकायतों, पब्लिक ग्रीवियंसेस का सर्वोच्च प्रमुख है, यानी कि सुप्रीम हेड स्वयं प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना वेटेज है और कितनी त्वरित गति से आपका काम होने वाला है। तत्कालीन श्री जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में शिकायत लोक विभाग के, जो कि लोक कार्मिक एवं पेंशन विभाग है, पब्लिक पोस्टल एंड पेंशन डिपार्टमेंट के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, और श्रीमती सुमिता दास गुप्ता इसकी उप सचिव हैं। तो इन दोनों के निगरानी के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री ही निगरानी कर रहे हैं। आपको मैं अब दिखाता हूं कि किस प्रकार आप लाइव डेमो, चूंकि यह पेंशनर के लिए है तो यह मान रहा हूं मैं कि या तो वो 60 से प्लस ही होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें मैं यूजर फ्रेंडली यह सारे काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं सीधा वेबसाइट पर कि किस तरह से कहां कहां आपको क्लिक करना है। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हमारे आगे की यात्रा इस डेमो में हमारे साथ जारी रखिए। आइए यहां आपको गूगल में जाना है और सीपी ग्राम टाइप करना है या पीजी पोर्टल टाइप करना है। यहां जैसे गूगल में करेंगे आप देखेंगे यहां आपको सीपी ग्राम आ गया। सीपी ग्राम में जाके आपको मेन विंडो आ गया और यहीं पर सेकेंड प्लेस है, इसमें आप पेंशन भी टाइप कर सकते हैं, पीजी पोर्टल
pension आप कर लीजिए, या फिर पीजी पोर्टल का जो मेन सीपी ग्राम में आता है यहीं पर सेकेंड मेनू है, यहां पर आप सेलेक्ट करके आगे बढ़े। आप यहां देख पा रहे होंगे सी पेन ग्राम्स आ गया। यहां पर आपको क्या करना है, होम में आप देख रहे होंगे इसके सारे फीचर्स को दिखाया जा रहा है, और जब हम लॉज योर ग्रीवियंसेस करते हैं तो चार तरह का मेनू आ रहा है, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यह आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहां पर आप स्क्रीन में देखिए ग्रीवियंसेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुलेगा जैसे आप लॉज योर ग्रीवियंसेस करेंगे। यहां सिविल है, रेलवे है, पोस्ट है, टेलीकॉम है, डिफेंस है और एनपीएस है। यह मैंने डिफेंस क्लिक किया। यहां देखिए आपको कुछ सिलेक्शन है, अगर आपको सिलेक्शन पता नहीं लग रहा है, जो भी पता लग रहा जैसे डिफेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आप अगर इधर उधर भी कर देते हैं तब भी कोई बात नहीं, आपको फिर से करेक्शन आ जाएगा। यह तरह से आप स्क्रीन भर लीजिए, यहां बड़ा ही सिंपल है, आपके सामने चल रहा है, मैं डम्मी यहां भर रहा हूं। इसके लिए आप चाहें तो सीपी ग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि लॉगिन क्रिएट भी कर सकते हैं और नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां मैं विदाउट क्रिएशन क्या ही दिखा रहा हूं। आपको सारे फॉर्म फाइल कर लेना है, यहां फिल कर दीजिए सारे जो भी सिलेक्शन है, सारे कुछ सिलेक्शन कर लीजिए। जो स्टार मार्क है रेड स्टार, इसे आपको जरूर भरना है। आपको पीपीओ नंबर देना है, सारे सिलेक्शन करना है, एड्रेस का सब कुछ लेना है। इससे पहले आपको प्रिसाइजली ही लिखना है और इसमें आप अपलोड भी कर सकते हैं 4 MB तक का, अगर आपने वर्ड में पीडीएफ में, जो कि अभी तक आप अलग अलग डिपार्टमेंट को देते रहे हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है वो फाइल, तो उस फाइल को अपलोड करने का भी यहां प्रावधान दिया गया है। आप देख लीजिए यहां मैं अपलोड भी कर रहा हूं, डाटा टाइप भी कर रहा हूं और अपलोड भी कर रहा हूं। यहां मैं बता दूं अगर लंबा चौड़ा आपके पास है तो आप उसे पहले ही वर्ड फाइल में या नोटपैड में कहीं टाइप करके रख ले, नहीं तो कई बार सेशन एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप कहीं और टाइप करके रखें और उसे सीधा पेस्ट कर दें, या फिर वर्ड फाइल है उसे आप देख रहे हैं यहां मैं ब्राउज करके अपलोड कर रहा हूं जो कि 4 MB तक दे रहा है। यहां पर आपको इसको कैप्चा को देना है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको कंफर्मेशन, आपके अगर आपने रजिस्टर किया है और यहां भी डाला है मोबाइल नंबर और ईमेल जो कि मैंडेटरी है, वहां कंफर्मेशन आ जाएगा, ट्रैक नंबर आ जाएगा, और वही ट्रैक नंबर इस्तेमाल करके आप आगे यहां देख रहे होंगे रिमाइंडर भी दे सकते हैं और इसके साथ ही आप ग्रेवियंसेस भी दे सकते हैं। अगर आपको उस जो काम किए हैं उन्होंने उससे अगर संतुष्टि नहीं है तो आप क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं, रिमाइंडर दे सकते हैं या फिर अपील कर सकते हैं। इस सब के लिए समय है, 30 डेज के अंदर, अगर 30 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, और 30 डेज के अंदर अगर नहीं आता है तो आप रिमाइंडर दीजिए। दूसरा, अगर आता है और आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप अपील में दे दीजिए। तो इस तरह से यह आपको ना कि शिकायत करने का अवसर देता है, बल्कि उसे शिकायत को जो आप ग्रीवियंसेस दिए हैं उसे आप फॉलोअप भी कर सकते हैं और स्वयं मॉनिटर कर सकते हैं, और अधिकारी के द्वारा तो मॉनिटर किया ही जा रहा। और आप यह मानिए, यह मैं अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, जांचा परखा है, हमने स्वयं अपना करेक्ट करवाया और कई मित्रों को सलाह दिया और उन्होंने अपना काम करवाया, और यहां मैं आपको इनका एड्रेस भी दिखा रहा हूं। इसके साथ ही यह आप उमंग मोबाइल ऐप है, उस उमंग मोबाइल ऐप को भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। इनका टॉल फ्री नंबर है, टॉल फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें होता क्या है, पहले लॉज ग्रीवियंसेस करने होते हैं जो आपने कर दिया, और उसके बाद यहां आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार इसका फ्लो बढ़ता है। जैसे कि आप पहले जैसे ही लॉज किए, इसके साथ ही टॉल फ्री नंबर है जो मैं आपको बता दूं, टॉल फ्री नंबर है 1800111960 है इसका टॉल फ्री नंबर, तो आप उससे बात करके भी लॉज कर सकते हैं अपने कंप्लेन को। और यहां मैं बताऊं कि किस प्रकार यह काम करता है, तो पहला प्रक्रिया आपसे इनिशिएट होते हैं जो कि आपने लॉज कर लिया,
या आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगला होता है, यहां आपको मैं दिखा दूं, जैसे आप यहां भेजेंगे, जैसे लॉज किए, लॉज करते ही यह उस डिपार्टमेंट को चला जाता है जहां से कि संबंधित है। यानी कि अगर आप डिफेंस से हैं तो एयरफोर्स के हैं, तो उनके रिकॉर्ड ऑफिस से अगर रिलेटेड है तो यानी कि डीएवी को जाएगा, आर्मी के रिकॉर्ड ऑफिस से, या आप डिफेंस सिविलियन हैं तो उनके हेड ऑफ ऑफिस से, डिपार्टमेंट से रिलेटेड। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि यह सारे तरह के कंप्लेन को डील करता है, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के द्वारा हो, या बैंक के द्वारा, पीडीए के द्वारा भी हो। तो यह जैसे लॉज करते हैं, यहां सेंट्रल साइट से उस डिपार्टमेंट को चला जाता है, और उस डिपार्टमेंट से ये मॉनिटर भी करते हैं, और वो डिपार्टमेंट आपको भी बताते हैं और उन्हें भी बताते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट इसका फ्लो चलता है। आपको मैं यहां फ्लो भी दिखाऊंगा, आप यहां देखिए। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप इस सी पेन ग्राम का अगर भरपूर तरीके से लाभ उठा पाएंगे। आप किसी से करवा लीजिए, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसा कि आज स्पोर्ट्स के माइग्रेशन के दौरान कई तरह की समस्याएं हो गई है, आधार का, पैन का, नाम का, कुछ भी हो रहा, तो आपको तुरंत क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स टीम से या पीसीडीए प्रयागराज से नहीं आ पा रहा तो यहां से अवश्य ही आएगा। और यह वीडियो डिफेंस पेंशनर के लिए, स्पोर्ट्स पेंशनर के लिए तो है ही, क्योंकि वो तत्काल अभी समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या सिविल के किसी भी कैटेगरी से, टेलीकॉम, रेलवे, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप इसे सचमुच जब ट्राई करेंगे तो यह रामबाण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ, नरेंद्र कुमार के साथ लगाते हैं। और फिर से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल को भी ग्रोथ करने का अच्छा अवसर मिले। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।